सुपौल जिला के बीरपुर अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत प्रतापगंज थाना क्षेत्र का है, जहां गोलीकांड, लूट, किडनैपिंग, कोशी क्षेत्र के कई आपराधिक मामलों के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर खुलासा किया गया। डीआईजी श्री शिवदीप लाली ने बताया कि सुपौल, सहरसा, मधेपुरा में लगातार हो रहे आपराधिक मामले जैसे कई घटनाओं के मास्टरमाइंड विभूति सिंह उर्फ रूपक सिंह को मोबाइल, मैगनीज सहित देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया कि सुपारी किलर विभूति सिंह उर्फ रूपक सिंह को सुपौल और मधेपुरा पुलिस ने जोगबनी से धर दबोचा है। यह नेपाल भागने की फिराक में था। वहीं यह भी बताया गया है कि रूपक सिंह आर्मी से भगोड़े व्यक्ति हैं, साथ ही उन्होंने मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग ले रखी है, जिसकी वजह से सड़कों पर हो रहे लूट, बैंक रोबरी, कंटेनर किलिंग जैसी घटनाओं को बड़े आराम से अंजाम दे रहे थे। इस मास्टरमाइंड अपराधी का कोशी क्षेत्र की 3 जिले की पुलिस तलाश कर रही थी, क्योंकि सहरसा, मधेपुरा, सुपौल तीनों जिले में कई मामले दर्ज है। इस अपराधी को पकड़ने में बीरपुर एसडीपीओ पंकज कुमार मिश्रा, राघोपुर थाना अध्यक्ष रजनीश केशरे, प्रतापगंज थाना अध्यक्ष प्रभाकर भारती, भीमनगर ओपी थाना अध्यक्ष अमरनाथ कुमार, डीआईयू सेल के प्रभारी मंगलेश कुमार मधुकर और द्रवेश कुमार यादव, अन्य दर्जनों पुलिस बल शामिल थे। टीम में शामिल सभी पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। विगत कुछ वर्षों में जो भी लूट की घटनाएं हो रही थी, स्पेशली रोड क्राइम से संबंधित जो घटनाएं हो रही थी, उसके साथ साथ बैंक से रिलेटेड जो घटनाएं हो रही थी, बैंक रॉबरीज की, बैंक डकैतीज की, उसके साथ साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स हुए थे, सुपारी किलिंग जिसको बोला जाता है, तो सारा एनालिसिस करने के बाद, सारे बिंदुओं को जोड़ने के बाद, एक नतीजे पे तीनों डिस्ट्रिक्ट के एसपी के साथ जब बैठक हुई तो एक नाम उभर के आया हमारे सामने की विभूति सिंह एलियस रूपक सिंह का। और जब उसके बारे में और जानकारी लेना शुरू की तो ये जो रूपक सिंह एलियस विभूति सिंह था, ये आर्मी से भगोड़ा था। भगोड़ा होने के बाद उसने एक लड़की की किडनैपिंग के केस में उसको कन्विक्शन आया था 5 साल का। वो जेल में रहा है 3 साल में जेल में रहने के बाद उसके बाद वो फैमिली लाइफ में आया। फैमिली लाइफ में आने के बाद अपना मार्शल आर्ट्स का वगैरह डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग्स लेता था और डिफरेंट स्कूल्स में ट्रेनिंग्स लेता था मार्शल आर्ट्स के। उसी दरमियान ट्रेनिंग के साथ साथ जब वो जेल गया था, कन्विक्शन जब उसका हुआ था लड़कियों के अपहरण के मामले में, तो उसी दरमियान कुछ क्रिमिनल्स के कांटेक्ट में आया। उसके बाद उसका करियर जो चालू हुआ क्राइम के जगत में शुरू हुआ। तो जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे जो क्रिमिनल्स है कोसी क्षेत्र के अराउंडिंग और कोसी क्षेत्र के, इसके कांटेक्ट में आना शुरू हुए और वारदाते जो है और बड़ी वारदाते होना शुरू हुई है। अभी जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड हिस्ट्री है जिसमें वॉन्टेड है, करीबन 8 से 9 केसेस ऐसे है कि जिसने इसको, इसने इन घटनाओं को कारित किया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा तो मधेपुरा में जो लूटकांड हुआ था 19 में, सोना लूटकांड, वहां से उसका सिलसिला शुरू हुआ है एज पर रिकॉर्ड। उसके बाद मधेपुरा में भी उसने घटनाएं की है। रिसेंटली नोवट्टा में जो है सहरसा जिला का, वहां पे भी रॉबरी के दौरान किलिंग किया है उसने। उसके साथ साथ सुपौल में भी परसरमा में एक एलएनटी का भी जो फ्लिपकार्ट एंड वो कैश के साथ रॉबरी हुआ था, तो वो एक घटना थी। बाद में अभी रिसेंटली अनमोल भारती पे अटेम्प्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का, तो कोइंसिडेंटली